हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि काम कुछ ज़्यादा था मेरे पास। आपको पता है कि मैं जॉब के साथ साथ वीडियो भी बनाता हूँ और कई सारे सब्सक्राइबर ने मेरे वीडियो में कमेंट किया है। कई सारे कमेंटों का मैं जवाब देने वाला हूँ, कई सारे सवाल हैं लोगों के, तो चलिए मैं एक एक करके जो है मैं वीडियो बनाऊंगा सारे कमेंटों के ऊपर और सारा जवाब दूंगा। तो सबसे जो पहला कमेंट है एक सब्सक्राइबर का, ये काफ़ी टाइम से मुझे कई बार इन्होंने मैसेज किया है और मैं इनको रिप्लाई भी दिया हूँ, और इन्होंने बोला है कि एक आप वीडियो बना के सारा कुछ समझाओ। तो देखिए, इनका जो प्रॉब्लम था वो था, इनका जो अकाउंट था वो कहीं और था, कई अदर स्टेट में, और इन्होंने अपना जो अकाउंट है वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराया, जहाँ पर अब ये जॉब कर रहे होंगे वहाँ पर इन्होंने अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराया। और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पर केवाईसी के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं केवाईसी कैसे कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरा अकाउंट पूरी तरह ट्रांसफ़र हो गया। अब मेरे पास जो है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, पहले जहाँ मैं रहता था वहाँ का आधार कार्ड में एड्रेस है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसमें जो है मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप अपने आधार कार्ड को यहाँ के एड्रेस से अपडेट करा लो। वो आप कैसे कराओगे? चाहे तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाओ, जहाँ पर आप रेंट पर रहते हो, जहाँ पर आप रेंट पर रहते हो उस मकान मालिक से अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा के, और मकान मालिक का सिग्नेचर वगैरह लगेगा रेंट एग्रीमेंट में, तब जाके वो वैलिड होता है। तो वो सब करवा के फिर जाके आप अपना आधार कार्ड उस एड्रेस से अपडेट करवा सकते हो। और अगर आपको ये नहीं कराना है तो आप जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ले जाकर बैंक में, और साथ में रेंट एग्रीमेंट भी आपको जो है अपना मालिक से सिग्नेचर वगैरह करा के रेंट एग्रीमेंट उससे, किराए जो आपका मकान मालिक है उससे, और वो ले जाके आपको सबमिट करना होगा बैंक में। रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, तीनों चीज़ें आप ले जाके बैंक में जमा करो तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। ये जो है रेंट एग्रीमेंट कई डॉक्यूमेंट में वैलिड है, तो आप इसको लगा सकते हो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट आप बनवाए हो वो आपके ही नाम से होना चाहिए, या ये नहीं कि आप किसी और के नाम से रेंट एग्रीमेंट बना के आप ऐसा कर रहे हो, तो वो आपका नहीं होगा, वो आपके नाम से होना चाहिए और उस पर आपके मकान मालिक का सिग्नेचर होना चाहिए। सारा कुछ फ़ोन नंबर सिग्नेचर वहाँ पर मांगते हैं, तो वो आप वहाँ पर सारी डिटेल भरोगे अच्छे से, तब जाके जो है आपका रेंट एग्रीमेंट बिना सिग्नेचर के मकान मालिक के आपका रेंट एग्रीमेंट अप्रूव नहीं होगा। तो वो चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, रेंट एग्रीमेंट बनवा लो और उसके बाद आप बैंक में जाओ, आपकी जो है केवाईसी हो जाएगी। ये वैलिड है, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आशा करता हूँ कि आपको जो है आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में आप करिए, कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारी जो वीडियो है वो आती रहेगी, अभी मैंने एक कमेंट का बनाया, अब नेक्स्ट अगले बार दूसरे कमेंट का वीडियो बनाऊंगा जो भी सवाल होंगे उसके जवाब को लेकर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।